हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती 2023 विज्ञापन जारी हुई, एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए, इसमें परमानेंट पोस्ट हैं सभी के सभी। बीएड डीएलएड वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरे राज्यों के कैंडिडेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड होंगे और एलिजिबल होंगे सभी एप्लीकेशन कर सकेंगे। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है स्टेट वाइज कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट एप्लीकेशन ना कर सकें ऐसा। 8 अगस्त 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने की डेट है। बाकी की सभी डिटेल्स जो मेन हाइलाइट्स हैं वो आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सेप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नाउ बिगिन इन 8 अगस्त 2023। पहले इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो पहले शुरू होने वाली थी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट बढ़ा दी गई है। 8 अगस्त 2023 से अब आप एप्लीकेशन कर सकेंगे। डिटेल शेड्यूल विल ऑल्सो बी नोटिफाइड ऑन 8 अगस्त। तो 8 अगस्त को फिर से एक नोटिस आएगी। चलिए देख लेते हैं ये नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है और बाकी की सभी डिटेल्स। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी होंगे एप्लीकेशन के लिए वो इस तरीके से, क्लोजिंग डेट तक ये क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं अगर आप, और साथ में डीएलएड किया हुआ है 2 साल वाला, 2 ईयर्स वाला एटलीस्ट डीएलएड, या फिर ग्रेजुएट हैं 50% या अबव मार्क्स के साथ में और बीएड। अगर आप डीएलएड के बेसिस पर अप्लाई करेंगे तो परसेंटेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रतिशत मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हैं और डीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप बीएड हैं तो 50% या अबव मार्क्स ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट के साथ में एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसके साथ में आपके पास होना चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मीन सीटेट जो है वो। तो सीटेट कौन से लेवल की होनी चाहिए ये इससे पता चलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं होगी। एक जो सेक्शन होता है इंटरव्यू, ये ना हो तो फिर बहुत ही इजी हो जाता है। सिर्फ एक टीयर वन, जैसे DSSSB में होता है टीयर वन का एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर कर लें और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो पार्ट क्लियर हो गया तो फिर मैटर ओवर, मतलब इंटरव्यू का यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए अब जान लेते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है और बाकी की सभी डिटेल्स। ये नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीज़ की गई है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट है, इस पेज को थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट पहले भी आई हुई है, आपने देखा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो चेंज कर दी गई है। इसमें रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं तो आपको जो रिक्रूटमेंट्स हैं करंट वो नज़र आएंगे। फिलहाल एक जो है रिटायर्ड टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये भी कवर कर लेते हैं किसी वीडियो में क्योंकि इसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद एक पब्लिक नोटिस आई हुई है, ये पब्लिक नोटिस मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। इसमें जो है एडवर्टीजमेंट की जो डेट थी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो चेंज कर दी गई है। शुरू में ही मैंने बता दिया 8 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगी, जबकि डिटेल एडवर्टीजमेंट और रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पर आप देख सकते हैं। 30 जून 2023 30 जून 2023 की डेट से रिलीज़ की गई थी। तो एक बार इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो पेज ओपन हो जाती है। तो रिक्रूटमेंट में इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं तो रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन होगी, जिसमें JBT के लिए खास पेज है ये। तो रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ JBT, डिटेल एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ JBT। प्राइमरी टीचर की एडवर्टीजमेंट पहले भी रिलीज हुई थी, इसकी डेट अब चेंज कर दी गई ऑनलाइन एप्लीकेशन की। तो इसे क्लिक करके डिटेल एडवर्टीजमेंट इस तरीके से आप देख सकेंगे। तो अभी आपके सामने आ गया डिटेल एडवर्टीजमेंट, ज़्यादा नहीं, 4 पेजेस की है, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। तो मेजर जो चेंज है वो अभी यहाँ देखने को मिल रहा है। 28 जुलाई से अब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू नहीं हो रही है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 8 अगस्त से शुरू होगी और पोस्ट का नाम है JBT, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, PRT के नाम से भी आप इसे समझ सकते हैं। चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है सभी के सभी। कितने पोस्ट है ये देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली अभी जैसे डेट चेंज हो गया, पहले 20 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, अब ये नहीं हो रही 8 अगस्त से, तो लास्ट डेट जो है ये भी बिल्कुल चेंज होगी। तो नया नोटिस आपको 8 अगस्त को देखने को मिलेगा। ये दोनों डेट भी चेंज होंगे क्योंकि पहली डेट चेंज हो गई, इसलिए ये दोनों डेट भी चेंज होंगे।
टोटल प्राइमरी टीचर या JBT की पोस्ट है जिसमें जनरल जो है 149 पोस्ट है। इसके अलावा OBC, SC, EWS, ST के लिए इसमें सीट नहीं है, तो ST कैंडिडेट जनरल में आकर एप्लीकेशन कर सकेंगे क्योंकि इसमें ST के लिए अलग से सीट ST कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। टोटल पोस्ट जो है 293 हो गई फिलहाल। अब इसमें पे स्केल जो है 9300 से लेके 34800, 9300 से लेके 34800 प्लस ग्रेड पे 4200 की ग्रेड पे। टोटल सैलरी आपकी 45-50,000 के अराउंड मंथली इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी बनने वाली है। तो DEd, DLed, BEd वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीटेट क्योंकि ये प्राइमरी टीचर की, तो सीटेट पेपर वन आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये प्राइमरी टीचर का है, तो सीटेट पेपर वन आपका क्लियर होना चाहिए इसके लिए। एज क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं, और एक बार सिलेबस पहले भी देखा है आपने बहुत जगह पे, फिर एक बार सिलेबस रिपीट कर लेते हैं। एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 से आपको एज कैलकुलेशन करनी है, जिसमें कि एज मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और अपर एज लिमिट 37। ये जो अपर एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के लिए, अगर ST कैटेगरी के लिए तो सीट नहीं है, तो इसलिए ST कैटेगरी, OBC, ESM एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म होता है एज में रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स की, PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो है 10 साल की छूट होती है 10 ईयर्स की ऊपरी आयु सीमा में। सिर्फ एक मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा, और इसमें सभी कैंडिडेट्स के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे और इसी पे मेरिट लिस्ट बनेगा इसी मार्क्स के बेसिस पर। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे आप बुलाते हैं, या आप इसे हिंदी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, इसका कैसा रहेगा पैटर्न, 150 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन को 1 मार्क रहेगा तो 150 मार्क्स रहेगा, 2.5 घंटे 2 आवर्स 30 मिनट्स का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन ये आप रेडी कर सकते हैं, ये रीजनिंग एबिलिटी 15 क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिक एबिलिटी रेडी किया जा सकता है, टीचिंग एप्टीट्यूड ICT 15 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स का पंजाबी। ये जो पंजाबी वाला लैंग्वेज है, तो इसको आप जो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट हैं, ये ऑब्वियसली जो है लैंग्वेज ये इतनी जल्दी सीखा नहीं जा सकता है, जल्दी या वक्त लगा के भी, तो ये 10 मार्क्स अगर आप हटा देते हैं फिर भी बाकी बहुत सारी जगह है। टोटल 150 में 140, आप सोचें कि 140 में आपको हाइएस्ट स्कोर कर लेना है तब भी आपके लिए यहाँ पर जगह बन सकती है। तो इसके अलावा और क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसके अलावा आपके तो चैलेंज सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज के लिए रहेगा क्योंकि ये करना मुश्किल रहेगा जो बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं। इसके बाद हिंदी में आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड सोशल, इसमें ऐसे कोई भी ये नहीं है जो कि पंजाब के बाहर के कैंडिडेट्स के लिए टफ जाएगा, सिर्फ ये वाला सेक्शन जो एक आपको ओमिट करना पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि बाकी 1 से लेके 11 नंबर तक जितने भी हैं उन सब में आपको स्कोर कर लेना है। तो ये सोचते हुए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो 8 अगस्त को तैयारी कर लें एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद जो भी नोटिस आएगी तो आप तक पहुँचाई जाएगी, फिलहाल यही है। एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं, निगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। निगेटिव मार्किंग तो है, नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स का है देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पैटर्न जो है, क्वेश्चन जो है हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, जो लैंग्वेज रहेगा वो तो सिर्फ लैंग्वेज में रहेगा। मैंने इसका क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आप कहेंगे तो इसका क्वेश्चन पेपर है मेरे पास 3 या 4 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। फिलहाल एक तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इस पर, एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया मैंने। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 में, मतलब 1/4 मार्क कट जाएंगे, एक गलत आंसर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। क्वालिफाइंग मिनिमम जो है 40% रहेगा, मतलब कितना आपको लाना पड़ेगा और कैसा प्रिपरेशन करना है आपको, 10 स्टैंडर्ड तक के जो है सारे बुक्स आपको पढ़ जाने चाहिए, NCERT वगैरह या स्टेट बोर्ड के, आप पंजाब स्टेट बोर्ड के पढ़ जाए 10 स्टैंडर्ड तक के सारे बुक्स, साइंस के, सोशल साइंस के, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी सभी जो है, हो सकता है तो थोड़ी पंजाबी भी पढ़ ले बेसिक जो है, तो 10 स्टैंडर्ड तक का आपको पढ़ना है इसमें। फ़ी की डिटेल देख लेते हैं, फ़ी की डिटेल दी हुई है, 1000 रुपीज़ रहेगा, और SC कैंडिडेट अगर हैं तो उनके लिए 500 रुपये रहेगा, बाकी जो है सभी कैंडिडेट उनके लिए
जो एससी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये रहेंगे और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रहेगी। ये फ़ी हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, ये फ़ी आपको कभी भी लौट के वापस नहीं आती, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट आपने देख लिया, मैंने आपको दिखाया था, ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी में आपको जो है आना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसी में रिक्रूटमेंट सेक्शन रहेगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करके आपको डिटेल्स चेक कर लेने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं।